What's up guys, मैं हूं वीरेन अमीन। तो guys, ये वीडियो टेक्निकली चैंप से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चैंप के फर्स्ट डे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पहली बात तो रात को आया है घर पे, दूसरी बात कि चैंप जब घर पे आया था तब घर पे और कोई पेट नहीं था, मतलब जो मेरा बीगल है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इट विल बी फर्स्ट नाइट ऑफ हस्की पपी एट होम, बीगल मीट्स हस्की, लेट्स सी क्या होता है। लास्ट शॉट देखना इसका, लास्ट शॉट देख के अगर आपका दिल खुश ना हो जाए ना तो डिसलाइक बटन दबा देना, कोई बात नहीं। तो गाइज इस वीडियो को इतने सारे लाइक्स दो कि हस्की के लिए मतलब मेरा दिल भी खुश हो जाए कि वाह, चैंप की तरह फुल ऑन सपोर्ट आपने हस्की के वीडियो को भी किया है। वेटिंग फॉर योर लाइक्स एंड वेटिंग फॉर लॉट्स ऑफ योर कमेंट्स, बिकॉज हस्की का नाम सोचना बाकी है। तो गिव मी लॉट्स ऑफ सजेशंस ऑफ नेम्स नीचे कमेंट में, जैसे आपने चैंप के लिए किया था वैसे ही इस हस्की के लिए सपोर्ट कर दो, उसका नाम क्या रखना चाहिए। गिव मी और योर बेस्ट नेम एंड देन विल सिलेक्ट द परफेक्ट वन एंड लेट्स सी वो भी कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, जैसे चैंप का किया था। आपने अगर वो प्रैंक वीडियो नहीं देखा हो जो मैंने अंकिता पे किया हस्की पपी के रिलेटेड, तो जाके ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और अगर देख लिया है तो मुझे बताना कि कैसा लगा एंड नाम सजेस्ट करते रहना। एंजॉय द वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना एंड ऑल्सो मुझे चैनल का नाम भी सजेस्ट करना, दोनों के साथ में वीडियो डाल रहा हूँ तो नाम क्या रखना चाहिए। एंड बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सअप लव, बाय। अंकिता के लिए बहुत ही अमेजिंग ह्यूज सरप्राइज है, ये है हमारा मिस्टर हैंडसम हस्की। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी दिखेगा या दिखेगी नहीं शायद, इसकी ग्रीनिश आंखें, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं गाइस, लेट्स सी द रिएक्शंस। अरे हाथ सिर्फ दे, जैसे मैं कोई चीज रखने वाला तेरे हाथ में वो तेरा सरप्राइज होगा। रेडी? हाँ। लव यू। लव यू। इस बार बीगल का नहीं, इस बार हस्की का। मैं एक्चुअली चैंप के लिए कुछ लेने आया था और मुझे, मैंने इसको यहाँ पे देखा और मेरा दिल आ गया। Lots of love। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, उनके लिए ये है कि भाई मेरे पास एक बीगल है जिसका नाम चैंप है एंड अभी ये प्यारा सा क्यूट सा हस्की है, इसका फर्स्ट टाइम है। अभी नाइट में ही मैं जस्ट घर पहुंचा हूँ, पार्क करने वाला हूँ। आई डोंट नो क्या होगा बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका घर के अंदर। होपफुली सब ठीक जाए, घर पे सब सो रहे हैं एंड ये भी फिलहाल सो रहा है। अब कंसर्न चीज ये है कि ये इसका फर्स्ट नाइट है, ठीक है, टेक्निकली दिन तो हो नहीं सकता बिकॉज नाइट में ही आया है। दिन का शॉट मैं बाद में लूंगा और उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट डे बिकॉज दिन का एक अलग एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मेरे पास बीगल है जिसका नेचर इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, जब तक मैंने देखा है, क्योंकि इसको मैंने अभी लिया है प्रैंक वीडियो से। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको पता चल गया होगा कि उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा था। ये बहुत ही सॉफ्ट प्लेयर है बट मस्तीखोर बहुत ज्यादा है, एक्टिव है और छोटा है अभी। एंड चैंप थोड़ा बड़ा हो गया, सेट हो गया है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये आ रहा है। उसका रिएक्शन क्या होगा, उसको पहले केज के अंदर ही रहने दूंगा मैं, उसका वो होम है जिसमें वो पूरी रात सोता है, जैसे अभी साइलेंटली सो रहा होगा, मेरा आते उठ जाएगा। इसके रिएक्शन पहले देखेंगे कि भाई फर्स्ट टाइम ये कितना एक्सप्लोर करता है घर के अंदर, क्या करता है, उसको आपको दिखाऊंगा। एंड चैंप इसको देख के क्या रिएक्ट करता है, वो लोग अंदर ही अंदर इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, उसके बाद धीरे से उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये दोनों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है। एंड लेट्स सी गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पहला वीडियो है, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, फर्स्ट डे एट होम एंड इसका नाम सजेस्ट करो बिकॉज अब तक इसका नाम नहीं रखा है हमने। तो गाइस पहली चीज ये है कि सामान पहले निकालूंगा, इसको सोने दूंगा, इसको लास्ट में निकालूंगा मैं ताकि इसको डिस्टर्ब ना हो। तो गाइस देखा, जैसा आप देख सकते हो ये मुझे 2 दिन के बाद मिला है बिकॉज मैं ऑब्सेशन था। एंड अब हम लाएंगे हस्की को अपने घर में। छोटा सा बच्चा सो रहा है, वैसे सो रहा है ना, चलो। ये इसका फर्स्ट कदम घर में, लेट्स सी, इसको सब नया लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा। चलो। देखो इसकी एकदम ग्रीन आईज है,
टेंशन वाला मोमेंट। मुझे नहीं पता ये क्या रिएक्ट करेगा अभी। गाइस टाइम आ गया है, मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल लूँ बाहर, देखते क्या होता है। यहीं पे खड़ा है। वाह जगह नहीं रहे। मुझे लगा चैंप इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा, ये अग्रेसिव हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लो ये चैंप की तरह ये भी नीचे चला गया। ये कहाँ से निकला है बाहर? सो काम, पहली बार देखा मैंने इसको इतना शांत। एक्चुअली चैंप का ये रिएक्शन देखना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बिकॉज मुझे लगा थोड़ा सा ये अग्रेसिव हो जाएगा या तो फिर इसको बुरा लगेगा या पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो कि नहीं हुआ ऐसा कुछ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। चलो इन दोनों को थोड़ा खेलने देता हूँ एंड तब तक इनका खाना तैयार करता हूँ मैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फूड की स्मेल से चैंप ने खाने का रिएक्शन नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम। ओके गाइस, तो ये आपको जो दिख रहा है क्रेट, इसका जो हस्की का होम रहेगा एंड वहाँ पे है बीगल का होम। क्यों दो अलग अलग? हो सकता है मैं उस क्रेट को थोड़े टाइम में बंद कर दूँ। ये मैंने बड़ा लिया है साइज़ में, वो छोटा है जैसा आप देख सकते हो। तो मैं ये डिफरेंस बता दूँ, फर्स्ट नाइट है, थोड़े दिन के लिए अगर वो लोग एडजस्ट ना हो तो विदाउट सुपरविजन इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है झगड़े या एक दूसरे को इंजर करें। तो वी विल नॉट डू दैट। एक बार अच्छी इन दोनों की दोस्ती हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, देन वी विल शिफ्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर। और क्रेट्स वैसे भी उनके रखने के लिए नहीं होता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड ये सिर्फ उनके सोने के लिए जगह है। तो अगर वो थक जाते हैं तो जैसे इनको क्रेट में डालोगे वो अपने आप ही सो जाएंगे, वो खुद ही समझ जाते हैं कि इट इज़ स्लीपिंग टाइम। और ये पहली बार ऐसा हो गया अभी तक ये थक ही नहीं रहा है दोनों में से कोई भी। तो मैं दोनों को खाना देने वाला हूँ, लेट्स सी क्या होता है। इनसाइड गो, इसको मैंने ट्रेन किया हुआ है तो वो चला जाएगा अंदर। हस्की का अभी तक नाम नहीं रखा है तो आपको सजेस्ट करना है। सेट, आप हेडफोन टूट पड़ेगा भाई। भूल रहे हैं लोग कौन सा खाना किसका है। ओह माय गॉड, चैंप का खत्म हो गया पहले। आई होप इसके चैंप नो गुड बॉय, चैंप नो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग ही खाना दूँ ताकि हैबिट पड़े और झगड़े नहीं। अभी क्या हुआ है कि दोनों बहुत थक गए हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं उनको बिना सुपरविजन के अकेले छोड़ दूँ, तो मैं छोड़ कर ही जाऊँगा जब तक दोनों सो नहीं जाते।
तो आई विल गिव देम सम टाइम, तो लेट देम स्लीप एंड देन मैं वापस आता हूँ आपके पास. ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. नीचे वो लोग सो गए थे, उसके बाद कहीं मैंने ये वीडियो बनाया है. मतलब इंट्रो भी मैंने ऊपर आके ही बनाया था, बट एनीवेज वो लोग सो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं. एंड यू सॉ हाउ क्यूट दे आर लुकिंग साथ में. एंड मेरे सारे टेंशन खत्म हो गए, दोनों की दोस्ती है ये वो, बहुत जो लोड था वो सब खत्म हो गया. एंड गाइस, कल सुबह मैं ले जाने वाला हूँ हस्की को वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली 45 डेज का हो गया था, अब उसको वैक्सीनेशन उसकी फर्स्ट दे सकते हैं. डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, वो नेक्स्ट आने वाला है. और उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा बेल आइकन विद सब्सक्राइब, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले एंड आपको उसके रिएक्शन मिले. और चैंप के भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे, साथ साथ में भी जो बहुत सारे आएंगे. लाइक कर दो और कॉमेंट्स बहुत सारे कर दो एंड कीप शेयरिंग. प्लीज सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव. Thank you.